25 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। स्थापन सभा 10 अक्टूबर 1982 को की गई। पास्टर चिरोकली ने पहली जागृत सभा जनवरी 1985 में की। अभिषिक्त पास्टर मई 1986 में बने। उनकी पहली साक्षी की पुस्तक अप्रैल 1987 को प्रकाशित की गई, यूनाइटेड होलीनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलीसिया स्थापित की गई मार्च 1982 में। निसी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की गई और मार्च 1992 में ही यूनाइटेड होलीनेस थियोलॉजिकल सेमिनरी की स्थापना की गई। अगस्त 1986 में नए भवन में स्थानांतरित किया गया। मोहन मीठे पानी का उद्घाटन मार्च 5, 2000 में हुआ। GCN का मई 2004 में और WCDN का फरवरी 2004 में। 14 विदेशी यूनाइटेड क्रूसेड्स उसके बाद किए गए। असंख्य आत्माएं संसार भर में जीती गई। पवित्रता का सुसमाचार मार्मिन के तमाम लोगों के द्वारा संसार भर में बिखेरा गया और मार्मिन के सदस्यों के लिए यह प्रेम, बदलाव, जीवन, आशा और आशीषें बन गई। अद्भुत अनुग्रह। वचन पे विश्वास करके पास्टर, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि बंदर से इंसान बना है, क्या ये बात सच है? आप बाइबल से उत्तर क्यों नहीं ढूंढते हो? परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो। परमेश्वर ने ज्योति को दिन कहा और अंधकार को उसने रात कहा। परमेश्वर ने कहा कि हम पानी से पानी में अंतर करें। परमेश्वर ने अंतर को स्वर्ग कहा। परमेश्वर ने अपने वचन से स्वर्ग और धरती को रचा। परमेश्वर ने अपने वचन से स्वर्ग और धरती को रचा। परमेश्वर ने एकत्र जल को समुद्र कहा। उसने सूरज, चांद और तारे रात और दिन के लिए बनाए। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा स्वर्ग और धरती को रचा। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को अपने वचन से रचा। उसने समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों को और दूसरे असंख्य जानवरों को रचा। उसने अपने स्वरूप में हमें रचा। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को अपने वचन से रचा। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को अपने वचन से रचा। उसने अपने वचन से रचा। उसने स्वर्ग और धरती को अपने वचन से रचा। पास्टर, मैं इसे बाइबल से तो सीख सकती हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैसे सिखाऊं जो बाइबल नहीं जानते हैं?
बिल्कुल, ऐसा करने का भी एक आसान तरीका है। मुझे देखो, इस चेहरे के ऊपर दो आंखें, एक नाक, दो कान, एक मुंह है, दो कान। संसार के सभी लोगों का एक ही सामान्य मुखाकृति है। उनका एक चेहरा है, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है। और उनके दो कान हैं। संसार के सभी लोग एक समान हैं। घर पे मेरा पप्पी, जंगल में दहाड़ने वाला शेर, ऊंचे आकाश में उड़ रहे पक्षी और गहरे समुद्र की मछलियां, वो जीवित परमेश्वर की अद्भुत बनावट के द्वारा निर्मित किए गए हैं। जीवित परमेश्वर के द्वारा उसके अद्भुत प्रेम से हम बनाए गए। मछलियों का नाक कहाँ है? उसकी आंख के नीचे, मुंह से ऊपर है। और वो कैसे दिखता है? हाँ, उसमें छेद है। जीवित परमेश्वर के द्वारा, उसके अद्भुत प्रेम के द्वारा हम रचे गए। आइए उसकी स्तुतियां करें, ऊंची आवाज में चिल्लाएं। आइए ऊंची आवाज में पुकारें, आइए ऊंची आवाज में पुकारें। परमेश्वर जीवित है। महिमा को दिखा, हमारी आत्मा, प्राण, मन, इच्छा और सारी बुरी इच्छाएं हम नाश करते हैं, हर कोने को भर दे। अब जो बलिदान हम करते हैं, चाहे हमारी आंख के समान प्रिय क्यों ना हो, हमारे उद्धारकर्ता के लिए जो हमारे लिए मर गया, आ महान आत्मा, आ सामर्थ्यकारी प्रकट हो। अग्नि अग्नि, हमें अपनी पवित्र अग्नि से भर दे। अग्नि अग्नि, अपनी पवित्र अग्नि से हमें भर दे। आ आ महान आत्मा, महान सामर्थ्यकारी प्रकट हो। महान आत्मा आ,
सामर्थ्यकारी प्रकट हो। सामर्थ्यकारी प्रकट हो। अग्नि अग्नि हमें अपनी पवित्र अग्नि से भर दे। अपनी चलती हुई आत्मा, अपने हाथ को बढ़ा पिता पुत्र की ओर से, अपनी महिमा को दिखा। हाँ हाँ महान आत्मा, सामर्थ्य कार्य प्रकट हो। अपनी पवित्र अग्नि से हमें भर दे। छुपा ले अब मुझे अपने पंखों तले, ढक ले अब मुझे अपने सामर्थ्य हाथों से। छिपा ले अब मुझे अपने पंखों तले, ढक ले मुझे अपने सामर्थ्य हाथों से। जब लहरें उठें और गर्जन हो, तूफानों से ऊंचा मैं रहूं,
पिता है राजा तूफानों का भी। मैं स्थिर रहूं, जानो तू है खुदा। मेरी आत्मा प्रभु में शांति पा। उसकी सामर्थ को जान और उस पर भरोसा रख। जब लहरें उठें और गर्जन हो, तूफानों से ऊंचा मैं गरजूं, पिता तू है राजा तूफानों का भी। मैं स्थिर रहूं और जानूं तू है खुदा। जब लहरें उठें और गर्जन हो, तूफानों से भी ऊंचा मैं गरजूं, पिता तू है राजा तूफानों का भी। मैं स्थिर रहूं और जानूं तू है खुदा। मैं स्थिर रहूं और जानूं तू है खुदा। पिता हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपनी आराधना आपको अर्पण करते हैं। प्रेमी प्रभु, हम अपनी स्तुतियां आपको अर्पण करते हैं।
हम अपनी आराधना, हम अपनी स्तुतियां अर्पण करते हैं। अपने प्रेमी परमेश्वर को पिता, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको अपनी आराधना अर्पण करते हैं। प्रेमी प्रभु, स्तुतियों के गीत हम आपको अर्पण करते हैं। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई लड़ी। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई लड़ी। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई लड़ी। यरीहो, यरीहो, यरीहो।여사가 돌아왔다. 그들은 거인 같고 우린 메뚜기 같다던데. 여호수아 लौट आया है। लोगों ने कहा कि वो विशाल थे, हम तो टिड्डियों के समान थे। क्या टिड्डियां? हम टिड्डियों के जैसे हैं? आप तो मरने वाले हो, क्या आप मर जाओगे? नहीं, यहोशू अलग सोच रहा था, परमेश्वर निश्चित रूप से हमें ले जाएगा। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई को लड़ा। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई को लड़ा। वो चहपनाह ढह गई। आप गिडोन के लोगों की बातें कर सकते हैं, आप शाउल के लोगों की बातें कर सकते हैं, लेकिन यहोशू के समान कोई नहीं था। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई को लड़ा और वो दीवार ढह गई। दृढ़ रहो, ढांढस बांध, परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस युद्ध को जीत लेंगे।
जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वो उस देश में हमारी अगुवाई करेगा। उनसे ना डर, वो हमारे लिए हमारा भोजन ठहरेंगे। यहोशू ने यरीहो जीत लिया, यरीहो और वो दीवार ढह गई। यरीहो की दीवार के ऊपर वो भाले लेकर घूम रहे थे। उन्होंने अपने तुरियां बजाई। यहोशू चिल्लाया कि उन्होंने युद्ध मेरे हाथों में दे दिया है। तब मेमना भेड़ का सींग फूंका गया, तुरही बजने लग गई। यहोशू ने कहा, परमेश्वर की संतान चिल्लाओ, और शहर पर हां डह गई। यहोशू ने यरीहो को जीत लिया, यहोशू ने यरीहो की लड़ाई लड़ी। यहोशू ने यरीहो की लड़ाई लड़ी। और वो दीवार ढह गई।아들아, 죽는 것이 효도라는 것이다. 메리 부트르, 메리 부트르 के रूप में मरना तेरा कर्तव्य है। अद्भुत अनुग्रह, सुंदर ध्वनि जिसने मेरी दे जैसे आप ही को बचाया। मैं एक बार खो गया था, लेकिन अब मिल गया हूँ। अंधा था, पर अब देखता हूँ। वो दुगनी कृपा जिसने मेरे हृदय को भय करना सिखाया। वो कृपा जिसने मेरे डर में राहत दी। कितना बहुमूल्य प्रतीत हुआ। ज
जब मैंने पहली बार विश्वास किया था। यद्यपि कई खतरे, परिश्रम और फंदे, मैं पहले ही गुजर चुका हूँ। समझ ने मुझे अब तक सुरक्षित रखा और मेरे घर ले आया। यद्यपि कई खतरे, परिश्रम और फंदे, से मैं गुजर चुका हूँ। जब वहाँ 10,000 वर्षों तक हम रहेंगे, सूरज के समान चमकेंगे। परमेश्वर की स्तुति करने के दिनों का अभाव नहीं होगा। उस समय की तुलना में जब हमने पहली शुरुआत की थी,